बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर शुक्रवार को आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राबड़ी देवी ने की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के शामिल होने की बात भी बताई जा रही थी, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने दावा किया कि बैठक में कुल 67 विधायक मौजूद थे। वहीं आरजेडी की बैठक खत्म होने के बाद तेज प्रताप यादव पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो दिल्ली में थे, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाए। आरजेडी की बैठक में शामिल होने आए आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं उन्हें ये तो नहीं पता, लेकिन उनके दल के सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव का ही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की सीजीएम कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया है। खबर के अनुसार पहलू खान लिंचिंग मामले में राजस्थान के अलवर कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर ट्वीट को लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। वकील सुधीर ओझा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया है। ओझा ने प्रियंका के बयान को दंगा भड़काने वाला, शांति भंग करने वाला और आपराधिक धमकी वाला बताया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है। अनंत सिंह के पैतृक घर नदावा से AK-47 के बरामदगी के मामले में उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। पटना जिले के बाढ़ थाने के थाना अध्यक्ष के बयान पर ये केस दर्ज किया गया है। वहीं खबर ये भी है कि इस मामले की जांच NIA कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस ने बाहुबली विधायक के घर से छापेमारी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां NIA को सौंपी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकसित बिहार के साथ निश्चय का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू कर दिया गया है। अगले साल तक राज्य के सभी घर तक नल जल पहुंचा दिया जाएगा। पक्की गली नाली बन जाएगी। जीविका के माध्यम से 8.50 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इनसे 1 करोड़ से ज्यादा परिवार जुड़े हैं। राज्य के हॉस्पिटलों में बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन नहीं करने वाले 450 संस्थानों को चेतावनी दी गई है। अगर इन अस्पतालों या नर्सिंग होम द्वारा निकलने वाले कचरे का प्रबंधन नहीं किया जाता है तो वैसे संस्थानों की तालाबंदी कराई जा सकती है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शुक्रवार को NGT के निर्देशों के पालन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य के सभी अस्पतालों को प्रतिदिन निकलने वाले जैविक कचरे का प्रबंधन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।